गैलियस थ्योरम क्या होगा आप समझ लें इसको, पहले आप समझें कि फिनाइट ग्रुप आप समझ लें पहले इस चीज को। ग्रुप दो तरह का होता है, एक आपका फिनाइट ग्रुप होता है, एक होता है इनफिनाइट ग्रुप। एक फिनाइट ग्रुप होता है, एक होता है इनफिनाइट ग्रुप। अगर जिसका एलिमेंट हम लोग अच्छी काउंटिंग कर सके उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, फिनाइट ग्रुप कहेंगे। और जिसका एलिमेंट हम लोग काउंटिंग नहीं करें उसको हम लोग कहेंगे इनफिनाइट ग्रुप कहेंगे, ठीक है। ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर एन, ऑर्डर मतलब दो तरह का ऑर्डर होता है, ठीक है। आप समझ लें इस चीज़ को पहले, जैसे हम जेड फोर का बताते हैं, जेड फोर जो है अगर इसकी ऑर्डर की बात हो तो क्या होगा आपका 0 1 2 3 4 है ना, ये इसका दो ग्रुप का ऑर्डर होगा। एक होगा जेड फोर का ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब हो गया ग्रुप में कितना एलिमेंट है, तो कितना एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, ये हो गया ऑर्डर ऑफ ग्रुप। एक होता है इस एलिमेंट का ग्रुप, मतलब इसका एलिमेंट का क्या ऑर्डर है, एलिमेंट का ऑर्डर का क्या होगा। आप देखें यहाँ पे हमको एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या होगा आपका समझ लें पहले। वन का अगर हम लोग देखें, जीरो का तो कोई ऑर्डर नहीं है, जीरो का तो एक आइडेंटिटी है, कोई इसका जीरो का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपका, अगर वन का ऑर्डर निकालना चाहें, ठीक है। जैसे अगर जीरो का तो अगर एक ऑर्डर लेंगे हम लोग 50 होगा, ठीक है, 50 का मतलब वन होगा, ठीक है। अगर आप जीरो को ऑर्डर कंसिडर किया जाए तो सिर्फ क्या होगा, जीरो कितना बार में जीरो आ गया, वन टाइम। इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ जीरो, मीन्स क्या होगा आपका, वन होगा। अब बताइए वन का ऑर्डर कितना है, ऑर्डर ऑफ वन निकालें, ऑर्डर ऑफ वन का मतलब कितना बार इसको ऐड करेंगे कि जीरो आ जाएगा, तो वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, फोर टाइम ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, तो ये आपका जीरो आ जाएगा आपका। इसका ऑर्डर कितना हो गया, फोर हो गया। इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ वन कितना आपका, फोर हो गया। अगर दो का देखें, दो का कितना होगा आपका बताएं, जैसे ऑर्डर ऑफ टू निकालना चाहते, इसका कितना होगा, टू प्लस टू जीरो हो गया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ टू कितना आ गया आपका, कितना आ गया इसका, टू आ गया, ठीक है। अब अगर थ्री का निकालना चाहें तो थ्री का क्या होगा आपका देखें, तो थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री आपका जीरो आ गया, देखिए थ्री 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 ट्वेल्व होगा, ट्वेल्व को फोर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ थ्री कितना है आपका, कितना आपका, फोर है। तो ये चीज़ होता है आपको ग्रुप का ऑर्डर और एक एलिमेंट का ऑर्डर, दोनों अलग अलग चीज़ होता है। ये एक फिनाइट ग्रुप है, क्यों फिनाइट ग्रुप है, जिसके एलिमेंट को लोग काउंटिंग कर सके उस ग्रुप का नाम होता है फिनाइट ग्रुप, ठीक है, ये होता है फिनाइट ग्रुप। अब ये आपको एग्जांपल दिए, एवरी फिनाइट ग्रुप, ये फिनाइट ग्रुप लिए हैं ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर कितना आपका एन, कितना आपका, फोर है, इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप, आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ परमोटेशन, ठीक है जी। परमोटेशन में अगर एन सिंबल हो, मतलब परमोटेशन में एन सिंबल का मतलब ये हो गया कि जो सब ग्रुप, मतलब परमोटेशन ग्रुप का जो सिंबल निकालेंगे, मतलब परमोटेशन ग्रुप का जो सब ग्रुप निकालेंगे, ठीक है, परमोटेशन ग्रुप का जो सब ग्रुप निकालेंगे वो उसका इक्वल होगा, ठीक है। ये वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप ऑफ, इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, फर्स्ट थ्योरम्स ऑन आइसोमॉर्फिज्म, इसी का नाम कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म। ये हमेशा पूछा भी जाता है क्वेश्चन को, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म इसी का नाम होता है। ये क्या होता है उसको पहले आप समझ लें, इसके लिए एक दो वर्ड आपका यहाँ पे आएगा, वो चीज़ को आपको समझना है। यहाँ पे ये इसका स्टेटमेंट यह है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप इज, इसका आइसोमॉर्फिक होगा आपका कुशियन ग्रुप, कुशियन मतलब फैक्टर ग्रुप, कुशियन ग्रुप इंड्यूस्ड बाय कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, बाय कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। कर्नल इफ, यहाँ पे समझना, इफ फाइ जो एक ग्रुप आपका जीवन से कहाँ है आपका, जेडस, ये आपका क्या है जीवन से जेडस पे एक ग्रुप, ये आपका क्या होगा, इज होमोमॉर्फिज्म, ये क्या होगा आपका होमोमॉर्फिज्म
मॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म देन, अगर ये होमोमॉर्फिज्म होगा तो तब क्या होगा, ग्रुप बाय कर्नल ऑफ फाई, कर्नल ऑफ फाई, ठीक है, कर्नल ऑफ फाई इक्वल टू क्या होगा आपका फाई जी, ये आपका एक आइसोमॉर्फिक होगा, ये आपका फाई जी के ग्रुप की आपका आइसोमॉर्फिक होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो भी होगा, जैसे आप एग्जांपल इसको समझ लें, आप इसको एक चीज़ समझ लें, यहाँ पे जैसे यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ जी बाय, यहाँ पे लिखा हुआ आपका जी बाय, यहाँ पे लिखा हुआ जेड फोर, तो आप किसका इक्वल होगा ये आपको ये जेड फोर का इसको, इसी को लोग आइसोमॉर्फिक कहते हैं, ये किसका इक्वल हो जाएगा आपका आइसोमॉर्फिक, मतलब जी बाय जेड फोर, ये किसका होगा जेड फोर का इक्वल होगा आपका, ठीक है। और यहाँ पे आप समझेंगे जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा, अगर हम लोग जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप लेंगे, किसका ऑर्डर, जो यहाँ का ऑर्डर होगा, इसका ऑर्डर और इस कर्नल का ऑर्डर, इस कर्नल का ऑर्डर जो होगा, इस कर्नल का जो ऑर्डर होगा हमेशा क्या होगा आपका, ये ऑर्डर ऑफ इसका इक्वल होगा, ऑर्डर ऑफ फाइव जी का इक्वल होगा, ये चीज़ आप समझेंगे, इसी को हम लोग कहते हैं आइसोमॉर्फिक। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना चाहिए कि जी यहाँ पे हमेशा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, जी हमेशा क्या होगा आपका फिनाइट ग्रुप हो, अगर ग्रुप इनफिनाइट हो तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं। कर्नल ऑफ एफ क्या होता है, कर्नल ऑफ फाई क्या होता है, ये मतलब कर्नल का मतलब जिसका इमेज क्या हो, जीरो जीरो हो, मतलब अगर उसका कोई जिसका जहाँ पे इमेज उसका क्या बनाते हैं जीरो जीरो, जैसे कि आप देखिए आप बहुत सारे ऐसा आप मैपिंग सीखे होंगे, वो उसका कर्नल होता है, जैसे कि आप देखे होंगे एक कर्नल क्या होता है, उसको हम डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि आप देखें यहाँ पे ऐसा था, ये सब जीरो पर जाता था, आपको पता होगा एलिमेंट सब क्या जाता था, तो ये चीज आपका कहा जाता था क्या, कर्नल सेकंड थ्योरम ऑन आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, सेकंड थ्योरम आप यहाँ पे कैसा होगा आइसोमॉर्फिज्म का थ्योरम है आपका, आइसोमॉर्फिज्म ओके, तो ये होगा आपका, इसमें क्या है, इफ एच, इफ एच, एच यहाँ पे एक नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है, इफ एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, इफ एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है, ऑफ जी एंड के, ऑफ जी एंड के, अगर जी और ए के का क्या आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, इज अनदर सब ग्रुप ऑफ जी, इज अनदर सब ग्रुप ऑफ जी, अनदर सब ग्रुप ऑफ जी। अब यहाँ पे समझे इसका क्या होगा, के बाई क्या होगा, यहाँ पे लिखा होगा एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप, एच यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप आपको पढ़ा चुके हैं कि सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप का कैसे नॉर्मल सब ग्रुप निकाल लेते हैं वो भी हम बताएं, जो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा मान लेते हैं नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड के, जी एंड के इज अनदर सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, हम लोग अगर ये दिया हुआ है तो के बाय क्या होगा एच इंटरसेक्शन के इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे एच के इक्वल टू क्या होगा एच के बाय एच होगा, ठीक है, एच के बाय एच होगा, ये होगा इसका सेकेंड थ्योरम है। इसका थर्ड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, इसका जो थर्ड थ्योरम होगा वो क्या है आपका, लेट एच एंड की बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी विद के इज लेस देन इक्वल टू एच, अगर ये हो यहाँ से जो जी बाय एच होगा वो जो जी बाय एच होगा वो क्या होगा आपका इक्वल जी बाय के, ठीक है, जी बाय के होल डिवाइडेड बाय क्या होगा एच बाय के का इक्वल, ठीक है, ये है आपका तीनों थ्योरम्स, तो ये आप तीनों कर्नल ऑफ एफ क्या होगा वो आप लोग समझ लेते हैं, वो क्या होता है कर्नल ऑफ एफ क्या होता है वो समझ लें, यहाँ पे सबसे पहले आप ये समझें इसका मतलब क्या होगा, कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू जो होगा आपका यहाँ पे एक्स इज बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट, एक्स इज बिलोंग्स टू क्या है आपका डोमेन सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए आइडेंटिटी होना चाहिए,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी ऑफ कोडोमेन, आइडेंटिटी ऑफ कोडोमेन, ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ कोडोमेन वो होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे सॉरी उसको कर्नल कहेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे है क्या एक्स वाई, अगर यहाँ पे एक्स वाई है इज बिलोंग्स टू, एज बिलोंग्स टू क्या है जीवन, जीवन इंटू जी टू, एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या आपका जीवन इंटू जी टू, सच दैट अगर ये दो ऑर्डर का हो, सच दैट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा आपका ई होगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई क्या होगा आपका ई होगा, ठीक, ये चीज आप यहाँ पे जो ई होगा मतलब ये जो होगा इस ई को हम लोग क्या कहेंगे आइडेंटिटी ऑफ जी टू, यहाँ पे जो ई होगा आइडेंटिटी ऑफ, यहाँ पे क्या होगा आइडेंटिटी ऑफ जी टू होगा इसका, आइडेंटिटी ऑफ क्या होगा जी टू होगा, ठीक है, ये चीज आप ध्यान देंगे। जैसे यहाँ पे आपको अगर कर्नल ऑफ एफ लिखना हो, ठीक है, कर्नल ऑफ एफ लिखना हो और तो यहाँ पे जैसे y इक्वल टू आप जिसको लिखेंगे y इक्वल टू ई हो जाएगा आपका, कर्नल ऑफ एफ अगर लिखना हो कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीवन इंटू, जीवन इंटू क्या होगा आपका ये जो वी टू निकला है आपका, इसको ई कुछ मान लें ई टू मान लेते हैं, इसको इसको ई टू मान लेते हैं, ठीक, जीवन जीवन इंटू क्या होगा आपका ई टू हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कर्नल ऑफ एफ। तो ये चीज़ तक हम लोग निकालते हैं, जैसे कि आपको हम यहाँ पे एक और चीज़ बताते हैं, जैसे यहाँ पे देखें जीवन इंटू जी टू ये आपका एक ग्रुप है और ये क्या है आपका इसका जो आइडेंटिटी है और ये आपका क्या होगा जी टू है, ठीक है, आप समझे यहाँ पे ये जो होगा आपका जो इसमें क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ से जो उसको हम लोग लिखेंगे इसको क्या करेंगे ईवन इंटू जी टू ये आपका क्या हो जाएगा आप समझते हैं, यहाँ पे ईवन इंटू जी टू जो होगा आपका ये किसका आइसोमॉर्फिक, ये मतलब जीवन ये क्या कट के बचेगा आप समझ लें, ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा, ये आपका जो है ये दोनों तो सेम आ जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा आपका जीवन का ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे इस चीज़ को। जैसे अगर आपको हम यहाँ पे ये लिख दिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखिए जेड फोर इंटू एस फोर ये दिए हुए, देखिए जेड फोर इंटू एस फोर और ये हम आइडेंटिटी दे दिए हैं, आइडेंटिटी इंटू क्या है जेड फोर, ये किसका आइसोमॉर्फिक होगा आपका, ये आपका होमोमॉर्फिज्म थ्योरम का हम एप्लीकेशन बता रहे हैं, ये आपका क्या होगा ये आपका हो जाएगा एस फोर का इक्वल होगा, ठीक है, ये आपका एस फोर का इक्वल हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्यू फोर इंटू जेड फोर, ठीक है, क्यू फोर इंटू क्या है आपका जेड फोर डिवाइडेड बाई क्या है आपका ये डिवाइडेड बाई ई आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी इंटू क्या है आपका एस फोर, सो आइडेंटिटी इंटू क्या है आपका जेड फोर, ठीक है, जेड फोर तो क्या इसका किसका होगा ये इक्वल होगा ये आपका क्यू फोर का इक्वल, यही चीज़ को हम लोग कहते हैं पर इसी का एप्लीकेशन होता है फंडामेंटल थ्योरम का, ये आपका एप्लीकेशन है आपका फंडामेंटल थ्योरम आइसोमॉरिज्म का एप्लीकेशन है। कर्नल का मतलब आप समझ लें, आपको कर्नल का आपको बताए हुए थे आपको, एक जिसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ ले लेते हैं एक हम लोग यहाँ पे जेड थ्री टू क्या ले लेते हैं जेड थ्री, ठीक है, ये ले लेते हैं हम लोग, तो आपको पता होगा यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू जो लेते थे क्या लेते थे यहाँ पे जीरो एक्स, फिर क्या लेते थे एफ एक्स इक्वल टू क्या लेते थे वन एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या लेते थे टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता था टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स होता था। अब यहाँ से हम लोग जो बनाते थे इसका, तो आप यहाँ पे समझे ये था कि आपका जेड थ्री, ये था कितना जेड थ्री, ये था जीरो, ये वन टू और ये क्या था जीरो वन टू। अब एफ एक्स का वैल्यू अगर जीरो एक्स लेंगे तो आप बैठा लेते चले वैल्यू इसका, तो आप देखें ये इसका कर्नल हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया इसको हम लोग कहेंगे कर्नल ऑफ एफ, ठीक है, ये आप कर्नल ऑफ एफ क्या है ये है, सारा एलिमेंट कहाँ पे चला गया वो जीरो पे चला गया, ठीक है, अगर सारा एलिमेंट जीरो पे चल जाए तो आप समझेंगे वो कर्नल ऑफ एफ कहलाएगा उसका, तो ये इसका कर्नल ऑफ एफ क्या हो जाएगा आपका ये वाला पार्ट आपका कर्नल ऑफ